बड़ी राहत की खबर है क्योंकि पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट की हड़ताल खत्म होने का इंपैक्ट अब राजस्थान में भी काम पर लौटने लगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। आईएमए से संपर्क के बाद जाट पदाधिकारियों ने घोषणा ये कर दी है और जाट के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी का बयान आया है। बयान में कहा गया कि मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए काम पर लौट रहे हैं, हालांकि सुरक्षा को लेकर आगे भी हर मंच पर मुद्दा उठाते रहे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यही कि जो पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट्स पर हमला हुआ और उसके बाद से जो हड़ताल शुरू हुई और राजस्थान तक पहुंची, राजस्थान में भी हड़ताल शुरू हुई, लेकिन अब चूंकि पश्चिम बंगाल में हड़ताल खत्म हो गई है, रेजिडेंट डॉक्टर्स और वहां के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में समझौता हो गया है, वहां पर हड़ताल खत्म हुई तो राजस्थान में भी वापस काम पर रेजिडेंट डॉक्टर्स यहाँ पर लौट आए हैं। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ जुड़ चुके। विकास, ये कुछ इस तरीके का फैसला कि हवा के झोंके के साथ बहते गए, हवा खत्म हुई तो फिर यहां पर रुक गए, क्योंकि जिन मांगों के साथ यहां पर बहिष्कार किया जा रहा था काम का वो तो यथावत रुकी हुई है, तो माना जाए पश्चिम बंगाल से हड़ताल खत्म, अपने यहां से भी हड़ताल खत्म। बिल्कुल मिलिंदर, पूरा मामला जो था वो गरमाया था, पश्चिम बंगाल को लेकर के पूरा मामला गरमाया था और उसी का इम्पैक्ट देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में जैसे ही सरकार के साथ डॉक्टर्स की वार्ता सकारात्मक रुख ली और उन्होंने जैसी घोषणा की, उसके बाद से जयपुर के रेजिडेंट्स और तमाम जो मेडिकल फैकल्टी के जो पदाधिकारी थे वो आईएमए के संपर्क में थे। आईएमए के संपर्क में होने के बाद ही उन्होंने तत्काल प्रभाव से अभी कुछ ही देर पहले ये घोषणा की है कि वो काम पे लौट रहे हैं। हालांकि रेजिडेंट्स ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया था जो सुबह 8 बजे तक कंप्लीट हुआ था, लेकिन मरीजों की दिक्कत को देखते हुए जाड़ जो अध्यक्ष है डॉक्टर विजय चौधरी, उन्होंने बयान जारी किया है कि मरीजों की दिक्कत को देखते हुए काम पर लौट रहे हैं, अभी से ही रेजिडेंट जो है वार्डों में जाकर काम संभाल रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा है कि जो महत्वपूर्ण मांग थी इस पूरे आंदोलन को लेकर के वो थी डॉक्टर्स की सुरक्षा, और इस सुरक्षा वाले मामले को लेकर के वो लगातार आंदोलनरत रहेंगे। सांकेतिक जो जो भी करना है सरकार के स्तर पर लेकर उस बात को उठाएंगे। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर मिल रही है और बड़ी खबर ये है कि सीएमओ ने दिखाया डिस्कॉम प्रबंधन को धरातल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिजली आपूर्ति को लेकर खफा हो गए हैं। ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीएम की।